एजेंट हमारे से पैसे ले रहा है, इतना हमें इतना वहाँ पे जॉब देगा, 40,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी है, 50,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी है। इंटरव्यू चला 1 वीक तक, सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर तक आ गया उनको, फ्लाइट का टिकट्स तक आ गया उनको। अब वो क्या किए, उनको बोला गया कि आप टूरिस्ट वाले वीज़ा लेकर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ से मतलब कि आपको वर्क वीज़ा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, नॉन भी लगा कर फिर मतलब कि उसको वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। 55,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है। तो इन सब भाइयों का जो डाउट है ये हम आज के ब्लॉग में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइट। तो ये आज का ये जो ब्लॉग है ये बनाने का पर्पस है, बहुत ही भाई लोगों का DM आ रहा है मेरे को इंस्टा पे कि एजेंट हमारे से पैसे ले रहा है, इतना हमें इतना वहाँ पे जॉब देगा, 40,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है, 50,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है, 55,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है। तो इन सब भाइयों का जो डाउट है ये हम आज के ब्लॉग में क्लियर करेंगे, ठीक है ना, ताकि मतलब कि जैसे कि आपको बता दे फॉरेन विदेशों में हर साल लाखों से ज़्यादा भारतीय फंस जाते हैं जॉब के चक्कर में, आके यहाँ पे एजेंट के द्वारा आते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो हम काफ़ी ब्लॉग बना चुके हैं इसके ऊपर भी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, हम काफ़ी सारे ब्लॉग बनाए हैं, स्कैम जॉब इन थाईलैंड, हाउ इंडियन गेटिंग अ ट्रैप इन थाईलैंड, ये सारे मतलब कि बनाए हैं, और किस तरीके से आपको यहाँ पर काम ढूँढना है वो भी बता दिए हैं, उसके ऊपर भी हम सेपरेट ब्लॉग बना चुके हैं। आप लोग जाके ब्लॉग देखिए, प्यार दीजिए, समझिए पूरा, बिना स्किप किए आपको ब्लॉग देखना है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो या फिर यूट्यूब में कमेंट करो, कमेंट के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से आपको हेल्प कर देंगे हम। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं, आज का ये जो ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ना, इन फ्यूचर और भी ब्लॉग आएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। देसी ट्रैवलर चैनल है अपन का, ठीक है ना, हम लोग का पूरा फैमिली अभी 1000 अप हो गया है। अभी कुछ दिनों से, लास्ट मंथ से ब्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, पापा का तबीयत खराब था जिसमें हम बिजी थे, तो अभी फिर कंटिन्यू हो जाएगा, अभी मतलब कि पापा डूइंग वेल, तो मतलब कि अब ब्लॉग जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के ये जो ब्लॉग बना रहे शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ भाइयों को सवाल था कि हमें जॉब करना है यहाँ पे, तो एक छोटा सा मतलब कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि अगर किसी भाई के पास में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आप टोटली फ्रेशर्स हो और आपको अगर एजेंट बोलता है कि 40,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ काम देगा यहाँ पे थाईलैंड में लाकर आपको, तो समझिए फेक है, ठीक है ना, वो आपको पूरा ट्रैप किया जा रहा है। वो जैसे आपको बोलेगा कि आपको पहले मेरे को पैसा देना पड़ेगा, 60,000 80,000 1 लाख रुपीज़ पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको हम लेकर जाएंगे, तो ये टोटली ट्रैप है, आपको फंसा दिया जाएगा, यहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले हम एयरपोर्ट पे थे तो मेरे को एक भाई मिले थे, तो जैसे कि उनके ऊपर एक स्टोरी है, तो हम उनसे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा उनसे हम बात की एयरपोर्ट पे, तो उनका जब स्टोरी हम सुने तो मतलब कि शॉक्ड हो गए। तो हम बोले उनको उस टाइम ना कि एक हम ब्लॉग बना लेके आपके साथ में, तो भाई मतलब कि बोले कि नहीं मेरे से मतलब कि हम ब्लॉग नहीं बनाना चाहते, कैमरा में नहीं आना चाहते हैं। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, हर किसी का प्राइवेसी है एंड आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। फिर भी वो उनके साथ में जो घटना हुआ वो मेरे साथ में पूरा का पूरा शेयर किए मेरे साथ में। उनके साथ हुआ क्या, वो भाई एक्चुअली मुंबई से थे, ठीक है ना, मुंबई से थे, IT इंजीनियर थे वो भाई। आप समझिए इतना वेल एंड एजुकेटेड पर्सन ट्रैप में कैसे फंस गया, हाउ एन IT इंजीनियर ट्रैप इन थाईलैंड फॉर 6 मंथ, वो कैसे फंस गए इस ट्रैप वाले जॉब में, कैसे, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे, ठीक है ना, यही ट्रैप बताएंगे कैसे ट्रैप हुआ था उनके साथ में। उनको क्या हुआ था ना, ऑनलाइन मतलब कि उनको मेल आया था किसी कंपनी का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे यहाँ पे जो ट्रैप में जो लोग आपको फंसाएंगे ना, किसी भी कंपनी का, अच्छा कंपनी का नाम लेके, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर आपको मेल करेंगे कि वी आर मैसेजिंग यू, वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सीन योर प्रोफाइल इन दिस प्लेटफॉर्म एंड लाइक वी आर इंटरेस्टेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू।
तो वो लोग ऐसे मतलब उनको ईमेल किए थे रिगार्डिंग, तो उनका क्या पता कॉन्टैक्ट जो देखिए जो हैकर है जो स्कैम कर रहे हैं उन लोगों का तो 24 घंटे यही काम है ना, तो किसी तरह मतलब कि वेबसाइट से उनका डिटेल्स निकाल लिया गया था। तो डिटेल्स तो लोग मतलब कि जो आईटी से रहते हैं वो लोग तो अपना प्रोफाइल वगैरह लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं बहुत जगहों पे, तो मे बी फ्रॉम देयर दे गेट देयर प्रोफाइल और उनको मेल किया गया कि मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी है थाईलैंड में, बैंकॉक में वैकेंसी है, ऐसे बोल के उनको मेल गया और पैकेज भी उसमें लिखा हुआ था। तो उसके बाद में वो उनको लगा कि चलो अच्छा अपॉर्चुनिटीज है तो एक बार ट्राई करते हैं, तो वो ट्राई किए तो उनका वो लोग इंटरव्यू वगैरह किया ऑनलाइन वीडियो कॉल में, उनका मतलब कि सारा इंटरव्यू चला, प्रोसेस चला स्टेप बाय स्टेप विद द लाइक अ प्रोफेशनल वे में, जैसे होता है ना राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री राउंड फोर ऐसे करके 6-7 राउंड वो बोले इंटरव्यू हुआ था मेरा, मतलब कि उसमें प्रोसेस था 1 वीक का, एक दिन में ही पूरा 6-7 राउंड नहीं हुआ, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करे ताकि किसी को पता नहीं चले कि ऐसे स्कैम होगा, ऐसे ट्रैप किया जाएगा, ठीक है ना। तो उनको कर दिया गया इंटरव्यू, चला 1 वीक तक, सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर तक आ गया उनको, फ्लाइट का टिकट्स तक आ गया उनको। अब वो क्या किए, उनको बोला गया कि आप टूरिस्ट वाले वीज़ा लेकर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ से मतलब कि आपको वर्क वीज़ा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग नॉन बी लगा कर, फिर मतलब कि उसको वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोसेस अच्छा रहा उनका, स्मूथ रहा, पूरा प्रोफेशनल वे में रहा, कोई जान नहीं पाया उनको भी, मतलब कि एक डाउट होता ना किसी को कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्या डाउट होगा, जब द वे दे प्रोसीड उनको डाउट नहीं हुआ, उनको लगा कि प्रोफेशनल है, अच्छा कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, मेरे को अच्छा खासा पैकेज दे रहा है। तो वो क्या किए, सारा प्रोसीजर करते गए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा अपना कलेक्ट करते गए, पेपर वर्क सारा करते गए, ऑफर लेटर वगैरह सारा वो लोग भेज दिए, फ्लाइट का टिकट वगैरह सारा कुछ वो लोग भेज दिए। भेजने के बाद में ना उनको बोला कि इस दिन पे आप आ जाओ आप, तो वो भी अपना सारा प्रिपेयर करके जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे मतलब कि रिजाइन करके, उसमें टाइम रहता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी में काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका था। तो फिर भी मतलब कि आप किसी भी कंपनी को छोड़ते हो तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, तो उनके पास वो नोटिस पीरियड सर्व करने का टाइम नहीं था, वो फाइन वगैरह देकर छोड़ के आ गए। फिर मतलब कि वो जब फ्लाइट लेकर बैंकॉक आए, बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरे, तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर वो लोग गाड़ी भेजे थे उनके लिए, तो गाड़ी से वो मतलब कि बैठ के फिर उनको वहाँ पे आने के बाद बोला गया कि फ्रॉम बैंकॉक इट विल टेक 7-8 hours टू रीच टू द लोकेशन। अब वो दोपहर के टाइम में शायद लैंड किए थे, लैंड करने के बाद में टायर्ड रहता आदमी तो गाड़ी में बैठा, तो उनको लगा कि बड़ा जगह है, तो वो कंपनी के बारे में भी सब सर्च किए थे, तो जिस कंपनी के बारे में सर्च किए थे एक्चुअली उनको उस कंपनी में नहीं लेके जाया गया, वो तो जो बड़ा कंपनी था उस कंपनी का से ये लोग नाम यूज़ किए हैं कि हम लोग टॉकिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, तो ये एक ट्रैप हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन ऐसे सिचुएशन में पकड़ना कि ये रियल है कि जेन्युइन है कि फेक है, क्योंकि द वे दे टॉक दे गेट अ ट्रेंड टू टॉक प्रोफेशनल। तो उसके बाद क्या हुआ, बैंकॉक से उनको लेकर कहाँ गया जानते हैं, थाईलैंड का बॉर्डर पे लेकर चला गया वो लोग रात के टाइम में। अब रात के टाइम में उनको बॉर्डर पे लेकर चला गया, बॉर्डर के सगे इलीगल काम, जैसे रात के टाइम में बॉर्डर जब क्रॉस कराया जाता है ना तो रात के टाइम में ही कराया जाता है कि किसी को पता नहीं चले। अब रात के टाइम में उनको इलीगली थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार लेकर चला गया। अब म्यांमार में ले जाने के बाद में ना कंपनी था जहाँ पे स्कैमिंग करते थे वो लोग, वहाँ लेके चले गए, कंपनी में लेके चले गए उनको। और उनको लेके जाने के बाद में नेक्स्ट डे से जब उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग चेक करने के लिए मांगे, फिर पासपोर्ट उनका रख लिए वो लोग। रखने के बाद में क्या हुआ, उनसे मतलब कि जोर जबरदस्ती दबाव करना शुरू डे वन से ही। उस टाइम वो मतलब समझ गए कि मेरे साथ में ट्रैप हो गया है, अब हम फंस गए हैं, कोई निकलने का चारा नहीं है। उनको उस दिन डे वन तो उनको वो लोग मारे वारे कि डर के मारे काम करें, और काम क्या हम लोग से कराया गया था पता है आपको, नहीं पता है बताते हैं काम क्या होता था। काम अभी यहाँ पे मोस्टली जब से ये AI मतलब आया है ना, AI टूल्स वगैरह स्कैमर्स लोगों के लिए तो मतलब कि एकदम सोना ही सोना, एकदम चांदी चांदी हो गया एकदम, मतलब उन लोगों का। वो लोग AI टूल्स का मदद से कॉल करते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में, वहाँ के लोगों को मतलब कि AI टूल्स, जैसे कि हम बैठे हैं कॉलिंग पे कॉल करने के लिए, और AI टूल्स के मदद से मेरा जो आवाज़ है वो लड़की का आवाज़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो लड़की का वॉइस हो जाएगा फ़ोन पे। तो उसके थ्रू वो लोग कॉल कर रहे हैं लोगों को, उनसे मतलब कि लड़की के भाषा आवाज़ में बात करके, अच्छा अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग बात करके उनसे पटा रहे हैं उन लोगों को, उनसे टाइम स्पेंड करवा रहे, कराते उनसे मनी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ब्लॉकचेन तो क्रिप्टो तो ये ऐसे ऐसे लोगों को पैसे खर्च करवा रहे हैं, उन लोगों से मनी ट्रांसफरिंग करवा रहे हैं उन लोगों से, ऐसे ऐसे मतलब कि झूठ मूठ का झोंका देकर मतलब कि आपसे मुलाकात करेंगे ये वो है ना तरह। तो ऐसा यहाँ पे इस टाइप का जॉब वो लोग करवा रहे थे, तो ये जॉब भाई किसी भी तरह किए, क्योंकि उनके पास में कोई चारा नहीं था, उनके पास में कोई बैलेंस नहीं था,
बड़ा सा मतलब कि हवेली टाइप का था, उसमें सेटअप बना कर रखे थे वो लोग। मेन गेट था, मेन गेट से बाहर उनको निकलना है नहीं, वो लॉक कर दिया था, गार्ड वगैरह था, और निकलने पे मार देते थे उनको। तो किसी तरह कर करके अपना मतलब फोन वगैरह सारा कुछ उनका छीन लिया था। तो ये सब जॉब बॉर्डर के साइड में बहुत हो रहा है, बॉर्डर के आसपास में वहाँ पे मतलब ये सब काम होता है इलीगली बहुत। तो ऐसे वो मतलब कि 6 महीना उसमें किसी तरह काटे, उसके बाद मतलब यही सब काम कर रहे थे वो लोग इलीगली, सब इन्वेस्टमेंट कराना, ये पैसा टानना, कार्ड का डिटेल्स लेना, ऐसे करके वैसे करना, वहाँ से इंडिया कॉलिंग करना, कॉलिंग करके मतलब कि इंडिया में भी कॉल करवाते हैं वहाँ से, तो ये ऐप हो गया, वो ऐप हो गया, आपका ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, OTP भेजिए, ऐसा ऐसा टाइप का काम करवा रहे थे उनसे इलीगली। तो क्या हुआ उनको मतलब कि आफ्टर 6 मंथ, तो क्या पता उनको पासपोर्ट वगैरह तो लिए नहीं, वो क्या किए वहाँ से, वो किसी तरह अपने आप को हाइड करके दीवार छान छड़प के मतलब कि दौड़ के वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में वो क्या किए, वहाँ से एम्बेसी चले गए किसी तरह। पहले तो वो बहुत दौड़े वहाँ से, उस एरिया से निकलने के बाद नहीं भी तो हाफ एन आवर कंटिन्यू वो दौड़े हैं कि मेरे पीछे ना पड़े ये लोग। दौड़ने के बाद में वो लोग वहाँ से एम्बेसी गए वहाँ पे, तो एम्बेसी में जाकर वो जब बोले कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ, तो वहाँ पे भी लोग जो लोकल थे वहाँ पे, वो लोग समझ में नहीं आ रहा था उन लोग का, फिर भी इंडियन एम्बेसी में इंडियन वहाँ रहते हैं, तो वो लोग क्या किए, वो लोग बोले कि आपको यहाँ से हम लोग, क्योंकि आप तो इलीगल वे से आए हो, पूरा प्रॉपर वे से आप नहीं आए हो, इलीगल वे से आए हो तो प्रोसीजर होगा, आपका पासपोर्ट बनेगा, तत्काल पासपोर्ट बनेगा। और वहाँ उस दिन जब वो भागे ना, उस दिन वो जो जगह था ना पूरा खाली हो गया, क्योंकि वो लोग जान गए ये निकल के भाग गया तो यहाँ पे मे भी रेड मार सकते हैं। वो लोग क्या किए, अपना सेटअप वगैरह लेकर ना सारा वहाँ से गायब हो गया, जगह छोड़ के वो लोग भी वो जगह को रेंट किए थे, किसी को बोले नहीं थे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, वो लोग बोले थे कि हम लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो लोग भाग गए। फिर वो लोग पुलिस वुलिस आया तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा कर बैंकॉक लेकर आया गया, क्योंकि बैंकॉक एयरपोर्ट पे उनका लैंड हुआ था, तो वाया बैंकॉक ही उनको मतलब कि इंडिया भेजा गया मुंबई। तो वो उनको फिर वहाँ से बैंकॉक से वहाँ से बैंकॉक एयरपोर्ट पर लाया गया। लाने के बाद में एयरपोर्ट से फिर उनका जब बोर्डिंग हो रहा था, तो उनके साथ में ऑफिसर्स लोग थे, तो हम वही उस टाइम उनसे मुलाकात हुआ, तो उनसे हम पूछे, तो मेरे को लगा इनको शायद मे बी इंडिया से आए हो तो इनको डिपोर्ट कर दिया है मे बी। तो हम उनसे पूछे कि हाँ क्या हुआ भैया, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, ऑफिसर लोग आपके साथ में है? तो वही ये सब बात मेरे साथ में शेयर किए, तो हम सोचे कि आप लोग के साथ में शेयर करें, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई चाहते हैं यहाँ पे आना, तो आना उतना सेफ नहीं है। अगर आपका कोई पहचान में है तो आप आ सकते हो, पहचान में नहीं है, अब हिंट्स देख लीजिए, अगर एजेंट बोले कि पहले पैसा दो आपको, और आपके पास में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे बोले डायरेक्ट आपको कि 50,000-60,000 का सैलरी, 100% वो फेक है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं है, कंप्यूटर आर्मी का जॉब नहीं है, यहाँ पे इन सब चीज़ का जॉब नहीं है, ये आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले पटाया में रेड हुआ था, 25 इंडियन पकड़े गए हैं, 25 इंडियन पकड़े गए हैं, जिसमें वो लोग भी क्रिप्टो वाला काम कर रहे थे इलीगली, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 इंडियन इलीगल थाईलैंड में घुसे हैं, और इसमें से कुछ कुछ तो उसमें स्टूडेंट वीज़ा पे रह रहे थे, ये सब काम कर रहे थे, कुछ लोग विदाउट वीज़ा ओवर स्टे करके रहे थे, सारे के सारे पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद में उन लोगों को जेल हो गया। अब यहाँ पे जेल होता है तो मतलब कि उनका सुनवाई करने वाला कोई है नहीं उनके तरफ से ना, 1-2 साल तक उनको जेल में रखा रहेगा, जब तक उनका कोई सपोर्टिव नहीं आएगा बोलने के लिए कि लॉयर हायर करें उनके लिए, तो उनको उस टाइम तक छोड़ा नहीं जाएगा, पेनल्टी होता है, उसके बाद में उनको यहाँ से इंडिया से ब्लैकलिस्ट करके यहाँ से इंडिया भेजा जाता है। तो प्रोसीजर होता है, संग संग जेल से यहाँ से नहीं छोड़ा जाता है, और जेल तो यहाँ का हेल है, ये आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जेल इज़ अ हेल इन थाईलैंड, बहुत मतलब कि दुष्कर्म होता है यहाँ पे। तो ये प्रोसीजर है, कोई भी भाई अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे आए एजेंट के माध्यम से हमको जॉब मिल जाएगा आराम से, तो बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे कब ट्रैप हो जाएगा आपके साथ में पता नहीं चलेगा, तो बहुत ही सोच समझ के आइए, क्योंकि मेहनत का पैसा आप किसी को भी देते हो तो आपका मेहनत का पैसा है। बहुत भाई घर जमीन जमीन तक बेच के अपना दे देते हैं, जेवरात तक बेच के दे देते हैं घर का, कि हम भी विदेश जाएंगे कमाएंगे। तो विदेश देखिए, पहले आप अपने आप को इतना कर लीजिए कि हम अगर जाएँ तो हम कमा पाएँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एजेंट वगैरह का चक्कर में मत पड़िए, अभी बहुत ही एजेंट लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ला के छोड़ दे रहे हैं, ला के फंसा दे रहे हैं आपको, उसी तरह ट्रैप कर दे रहे हैं, बहुत भाई रो रहे थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक हम ब्लॉग बना दे रहे हैं, आप लोगों को हिंट्स मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेरी होगा रिगार्डिंग दिस, मेरे से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर आपको आपको बोल रहा है कि मेरे एजेंसी ये हो, या फिर एजेंट हो कि पैसे दो, यहाँ पे ये थाईलैंड में ले जाएंगे, ये जॉब हो वो जॉब हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। हम मेरे को अगर अच्छा लगा तो हम बता सकते हैं, अगर मेरे को डाउट हुआ तो हम आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि नहीं ये टोटली फेक है, यहाँ पे आपको ट्रैप किया जाएगा, तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए, लंबा ब्लॉग हो गया, तो आपसे अब हम
इतना इन्फॉर्मेशन देना था, तो बता दीजिएगा मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा, और क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हुआ है, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे बेसी।